ओम नमः शिवाय। इन नवरात्रे यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर इस विधि को करते हैं तो आपके घर में जो भी कलह क्लेश हो रहे थे उन कलह क्लेश को या जो भी आपके घर में नेगेटिविटी है, नकारात्मक शक्ति है, उसको आप अपने घर से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जो साधक साध्वी यह मैसेज कर रहे थे कि इन नवरात्रों में जो यदि हम इस विधि को करते हैं तो उनके लिए ये विधि कैसी रहेगी, उन सभी साधक साध्वियों को बताना चाहेंगे कि जो विधि हमने आपको बताई थी और जो नए साधक साध्वी है उनको हम बताना चाहेंगे कि आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर आपने क्या करना है जिससे आपके घर में जो लड़ाई हो रही थी, जो कलह क्लेश हो रहे थे, उसको आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द खत्म कर सकते हैं। वो नेगेटिविटी बहुत ही आसानी से अपने घर से निकाल सकते हैं। केवल और केवल इस छोटी सी वशीकरण विधि से आपको इन नवरात्रों में इतने बड़े बड़े चमत्कार देखने को मिलेंगे जिससे आप सोच भी नहीं सकते। आपने केवल छोटी छोटी विधियों के प्रयोग से अपने सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। जो भी नए साधक साध्वी हैं या पुराने साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी साधक साध्वी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी जरूर सिलेक्ट करें जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे और उन विधि के प्रयोग से आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकें। तो आप इन नवरात्रि यदि चमत्कार देखना चाहते हैं, अपने घर में से कलह क्लेश को खत्म करना चाहते हैं, नेगेटिविटी को खत्म करना चाहते हैं, या जो भी आप अपनी मनोकामना माता रानी से पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो आपने इस वशीकरण विधि में क्या करना है। आपको इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए चाहिए आपको उपले, जो गाय के गोबर के उपले बने होते हैं उसका आप प्रयोग करें, और आपको चाहिए थोड़ी सी कपूर। कपूर चाहे आप एक ले चाहे दो ले, आपने इस प्रकार से आपने ये जले हुए उपले हैं जो गाय के गोबर का उपला बनता है, और आपने क्या करना है अपने मुख्य द्वार पर इस प्रकार से आप रख लें, और उसके बाद आपने इस कपूर को अपने घर के मुख्य द्वार पर इस प्रकार से जला देना है। इस प्रकार से आप अपने मुख्य द्वार पर रोजाना हर नवरात्रि आप जिस भी नवरात्रि से आप पता चले उसी नवरात्रि से आप प्रारंभ करें। यदि आप 2 दिन भी इस विधि को करते हैं तो आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति थी, जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। आपने ध्यान रखना है केवल छोटे से उपले पर भी आप इसे कर सकते हैं, और केवल आपने एक कपूर ही जलाना है, और उसके बाद आप देखेंगे जो भी आपके घर में हो रहा था वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और आपका घर हमेशा पहले की तरह खुश रहेगा। आपके परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। सभी साधक साध्वी इस विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये नवरात्रे आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा चमत्कारी रहेंगे, और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर DM करें या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।